हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अक्षत बलगीर और आपका एक बारी फिर से पंजाब रॉकस्टार में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आप कोई भी अपने फ़ोन के अंदर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी 150 MB के बड़े वाला, वो भी बिना वाईफाई के। ठीक है, बिना वाईफाई के अपने मोबाइल डाटा के ऊपर ही। तो आप देख सकते हैं मेरा अभी वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे एयरटेल सिर्फ 4G लिखा रहा है। तो अभी डाउनलोड कैसे करना है, कोई भी हम अगर ऐप हो या फिर कोई भी गेम हो 150 MB के ऊपर डाउनलोड कैसे करना है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसे ऐप स्टोर को खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एरर क्या आता है अगर हमें डाउनलोड करना हो। तो ऐप स्टोर में सर्च मारूंगा, मैं पबजी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैंने सर्च करना है पबजी, उसके बाद देखो आ गया यहाँ पे, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा अगर मैं, तो देखना क्या एरर आएगा। ये देखो आ गया ना 150 MB के ऊपर। भाई आपको वाईफाई तो चाहिए ही चाहिए डाउनलोड करने के लिए, वरना तो आप कतई से डाउनलोड कर ही नहीं पाओगे। इसको भाई बाईपास करने के लिए बहुत ही अच्छा और एकदम आसान सा ग्लिच है, बहुत अच्छा ग्लिच है, मज़ा आ गया देख के। ओके कर दूंगा भाई अभी तो मैं इसे, उसके बाद मैं इसे वेटिंग को यहाँ से क्रॉस करके बंद कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरा आईफोन में वाईफाई बंद पड़ा है। ठीक है, अगर आपको पता हो कि यहाँ पे आईफोन मैंने बंद, यहाँ पे आईफोन के अंदर वाईफाई एकदम बंद है, तो अब मैं क्या करूँगा आपको प्रॉपरली बंद करके दिखा दूँगा। अगर इसको इतना भी हो रहा है, वाईफाई नॉट कनेक्टेड है भाई, पर चल रहा है मेरा। ठीक है, नॉट कनेक्टेड है, मैं यहाँ बंद जमा ही बंद कर दूँगा इस पर, ताकि यहाँ पे क्रॉस ही आ जाए ऊपर। ठीक है, क्रॉस आ गया ना यहाँ पे, उसके बाद अब आप देख सकते हो एयरटेल आ रहा, 4G आ रहा, कहीं से भी कोई वाईफाई नहीं मिला हुआ इसको। वहाँ मैंने आपको दिखाया भी था, वो वाईफाई मांग रहा था। तो फिर हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो यार स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मेरी सेटिंग में जाके, जनरल में जाके, मेरा भी सॉफ्टवेयर अपडेट जो चल रहा है वो 12.2 चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे तो अगर इसमें कोई अपडेट आया आईफोन के अंदर और आपने अपडेट कर लिया तो एक ग्लिच ना वर्क करा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि हर एक आईफोन के अपडेट में वर्क करेगा, पक्का नहीं पता मेरे को, क्या पता करे अगर उन्हें नहीं पता लगा इस ग्लिच के बारे में, तो क्या पता वो उस पे इतना कॉन्सेंट्रेट ना करे और ये वर्क तब भी करता रहे। ठीक है, तो अभी मेरे को पक्का नहीं पता कि आगे वर्क करेगा या नहीं करेगा, पर इस 12.2 तक तो भाई वर्क कर रहा है, बहुत इजीली वर्क कर रहा, बड़े आराम से वर्क कर रहा। अब करना कैसे है, शुरू कैसे करना है, तो अभी हम एकदम पूरा शुरू से बताऊंगा मैं आपको। आपने फ़ोन खोला, ऐप स्टोर में गए, ऐप स्टोर में आपको सर्च करना है, पबजी का एग्जाम्पल देता हूँ फिर से, बड़ी गेम है वो भी बहुत ज़्यादा, वो पबजी का दिया मैंने एग्जाम्पल आपको। तो यहाँ पे आ गया, पबजी को गेट करेंगे यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके, उसके बाद फिर से अभी आएगा, ये आ गया ना ऐप ओवर 150 MB, ओके करना है, ओके करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ वेटिंग पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेटिंग आ गया, तो आप जितना मर्जी यार यहाँ पे वेट करते रहो, वेटिंग ही आता रहेगा जब तक आपका ये वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, स्टार्ट तो होने से रहा है। तो अभी आपको ये बताऊंगा एयरटेल के 4G के ऊपर इसे कैसे करना है, जो मर्जी सिम लो बस आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा इसे डाउनलोड करना ही कैसे है। ऐप हो भाई, गेम हो, सब कुछ हो सकता है, ये नहीं है कल पबजी होएगी, कल पबजी के लिए ग्लिच है, हर एक ऐप के लिए है बस। अब उसके बाद ऐसे आ गया था, उसके बाद हमें सेटिंग में जाना है, सेटिंग के अंदर जाके जनरल में जाना है, जनरल के अंदर हमें यहाँ पे मिल जाएगा डेट एंड टाइम। मेरे को नहीं पता है डेट एंड टाइम से क्यों रिलेटेड है, क्या कुछ नहीं पता मेरे को, बस एक ग्लिच चेक ऐसा था जिसके साथ अब ये वर्क कर रहा है। तो हम डेट एंड टाइम में जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले हम सेट ऑटोमेटिकली को बंद कर देंगे। ठीक है, तो बंद कर दिया, अब यहाँ टाइम जोन आ रहा है मुंबई, यहाँ पे भाई अपनी लोकेशन सेट कर दो, मुंबई इंडिया की है वैसे तो, पर मैं पंजाब में रहता हूँ उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस इंडिया होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जो मेन बात होती है, ताकि इतना टाइम का फ़र्क ना आ जाए। उसके बाद यहाँ नीचे 12 अप्रैल 2019 लिखा आ रहा है, सॉरी 14 अप्रैल 2019 लिखा आ रहा है, और 9:29 PM हो रहा है, जैसे आप टाइम देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, इस पर डेट चेंज करनी है हमें अपने फ़ोन की। यहाँ 12 अप्रैल लिखा आ रहा है ना, तो मैं इसे क्लिक करके, अब यहाँ पे टुडे आ रहा है 14 अप्रैल, मैं बार बार 12 को ही जा रहा हूँ, 14 अप्रैल आ रहा है यहाँ पे, तो उसको हम कर देंगे मई के अंदर ले आऊँगा मैं इसको, हम यहाँ 10 मई कर देंगे, 10 मई करा। उसके बाद यहाँ पे टाइम कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करा, बस मैंने फ्राइडे का 10 मई कर दिया, बहुत है इतना। मैं जर्नल में वापस कर दूँगा, अब सेटिंग में वापस सब कुछ बस वापस करके बंद कर दूँगा। उसके बाद बस ग्लिच कंप्लीट, इतना सा ही था बस। अब आपको करना क्या है, वेटिंग आ रहा है ना यहाँ पे, थोड़ी देर बाद देखना है यहाँ डाउनलोड होनी अपने आप शुरू हो जाएगी। ठीक है, अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। वाईफाई फिर से दिखा, तो बंद पड़ा वाईफाई, यहाँ सिर्फ रिकॉर्डर चल रहा है मेरा, ब्लूटूथ ऑन है वैसे मेरा पर कनेक्टेड नहीं है, और एक मेरा मोबाइल डाटा चल रहा है। ठीक है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है मेरा इसके साथ, वाईफाई वगैरह कोई लिंक नहीं है, बस मोबाइल डाटा चल रहा है
और यहाँ वेटिंग आ रहा है, और ये अपने आप थोड़ी देर तक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, देख लेना। ये देखो होगी ना डाउनलोड अपने आप शुरू। इसको कहते हैं आईफोन का ग्लिच, ठीक है। बहुत आराम से डाउनलोड होगी, कोई चक्कर नहीं है, जैसे मर्जी डाउनलोड करो। नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी डाउनलोड हो रही है नहीं हो रही है। कल्ली पबजी नहीं होती, बाकी बाकी सारी बहुत सारी गेम में है, कर लो जो गेम आपको डाउनलोड करनी है कर लो, जो भाई ऐप करना है। अगर आपको अच्छा लगा ना यार ग्लिच और आपका यूज़फुल हो, आपने कभी भी इस्तेमाल करना, इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। लाइक तो बनता ही है इस वीडियो के लिए, इतना अच्छा ग्लिच ढूंढ के लेके आया हूँ, ठीक है। आईफोन के अंदर तो यहाँ 12.2 तक तो चल रहा है वर्जन में, इतना आपको गारंटी दे सकते हो कि 12.2 में चल रहा है। कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको एक नई वीडियो बताऊँगा उसमें बता दूंगा कि क्या आपके फ़ोन में ऐसे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं इसका एक और प्रूफ दूंगा ताकि आपको कहीं से ये ना लगे कि मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ या एप्लीकेशन को चला रहा हूँ। तो यार ये देखो, सेटिंग और ऐप स्टोर जो दो चीज़ें खुली हुई थी वही खुली हुई हैं और कुछ नहीं खुला हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ऐप स्टोर में जाके ये देखो, ऐप स्टोर में शुरू हो चुकी है डाउनलोडिंग। जूम करके देख लेना, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ब्लू ब्लू डॉट आ रखा है एकदम ऊपर, जो सर्कल जब कंप्लीट होता है धीरे धीरे बढ़ जाएगा ये, और ये मेरी पूरी इंस्टॉलिंग होकर डन भी हो जाएगी। तो अब मैं इसे बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे को पबजी मोबाइल चाहिए नहीं है, ये मैं खेल के इसे बोर हो चुका हूँ, मैं डिलीट कर दिया इसे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वापस अपना टाइम ज़रूर चेंज कर लेना, वरना आपके नेट में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो टाइम चेंज कर लेना अपना, यहाँ पे डेट एंड टाइम जाके सेट ऑटोमेटिकली करना, बस बस। अब होम बटन दबा दिया, अब नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एयरटेल के अंदर एक सिग्नल नहीं आ रहा, वहाँ पे आप देख सकते हो, अब आया एक, अब 4G भी आ गया। बस यही प्रॉब्लम थी यहाँ, पता नहीं किस चीज़ का कैसे कहाँ का रिलेटेड ग्लिच है, पर बस काम कर रहा है, हमें तो उससे लेना देना है। इतना सही ग्लिच था बस ये, और सब कुछ वर्क कर रहा है इस पर। वाईफाई भाई देखो अभी भी ऑफ का ऑफ पड़ा है, ठीक है। तो अगर यहाँ वेटिंग से पहले अगर आप ये ग्लिच करोगे तो नहीं वर्क करेगा, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। वेटिंग जब आपके आती है ना यहाँ पे वेटिंग, तो उसके बाद ही आपको ये ग्लिच वर्क करेगा, ठीक है। तो उसके बाद ही ये सब कुछ करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों के साथ शेयर कर देना, प्लीज़ कर देना यार, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।